आपके साथ अर्चना रौतेला और आप देख रहे हैं टोक टोक लेखनी न्यूज। मुंबई के पश्चिमी किनारे बन रहे मुंबई कोस्टल रोड का सभी को इंतजार है। उम्मीद है कि ये रोड दिसंबर 2023 तक पूरी हो जाएगी। इस रोड को पूरा होने में सबसे बड़ी बाधा थी सुरंग, जिसका काम मंगलवार को पूरा हो गया है। मंगलवार को टीवीएम मशीन के माध्यम से इस सुरंग को भी खोद लिया गया है। खास बात तो ये है कि सुरंग को खोदने का काम जिस समय पूरा किया गया, उस समय राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया गया है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जिस टीवीएम मशीन से सुरंग को खोदा गया है वो देश की सबसे बड़ी मशीन है। इस कोस्टल रोड की खासियत ये है कि ये जमीन के अंदर भी है, समुद्र के किनारे साथ भी है और समुद्र के ऊपर बने पुल से भी होकर गुजरती है। इस सड़क का तकरीबन 10 किलोमीटर का हिस्सा मरीन ड्राइव से लेकर वर्ली तक सुरंग का है। इस सुरंग के बनने के बाद अब मरीन ड्राइव से वर्ली की दूरी जो पहले आधे घंटे की थी वो अब महज 7 से 8 मिनट की रह गई है। खास बात तो ये है कि इसके लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस टीवीएम से पहले प्रियदर्शनी से मरीन ड्राइव तक सुरंग खोदी गई और मरीन ड्राइव से प्रियदर्शनी तक के सुरंग का काम भी पूरा कर लिया गया है। इस रोड का काम इस साल के आखिरी तक पूरा होने की उम्मीद है और जिससे मरीन ड्राइव से वर्ली पहुंचने में महज 8 मिनट लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रोक ठोक लेखनी न्यूज। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।